अपना त्वचा के रूखापन को दूर करने से संबंधित फेस पैक की सीरीज चल रही थी, लेकिन उसको मैंने आज बीच में ड्रॉप करके एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया है। ड्राइनेस से संबंधित ही है। ड्राइनेस होता है वो कई प्रकार का होता है। एक तो सीजनेबल होता है, जो सबके साथ में नेचुरल होता है। सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तो सबके साथ होता है। एक वो होता है कि कंटिन्यू किसी के ड्राइनेस रहता है, तो वो किस कारण से रहता है, या एक टाइम के बाद में ड्राइनेस आता है, वो भी किस कारण से आता है, इसके बारे में आज हम अपने सेशन में जानेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, कंटिन्यू वीडियो वॉच करने के लिए मेरे बेल आइकन बटन को भी साथ में प्रेस। नमस्कार दर्शकों, मैं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। ड्राइनेस यानी कि ड्राइनेस कई तरह का होता है, और ड्राइनेस क्यों होता है, इसके कारण क्या है, आज हम सबसे पहले इसके कारण जानेंगे। एक नेचुरल ड्राइनेस होता है, जो मौसम चेंज होता है वो हम सबके साथ में होता है, लेकिन एक ही होता है कि पहले आपकी स्किन बहुत अच्छी थी, फिर अचानक से उसमें ड्राई आ गया, तो उसका कारण क्या है। एक समय के पश्चात आप में ड्राइनेस आ गया, पूरी बॉडी पे आ गया, उसका कारण क्या है। एक तो सबसे पहले हम अपन जो भी केमिकल युक्त साबुन यूज करते हैं बॉडी पे या फेस पे, मैं चाहे कितनी अच्छी ब्रांड के यूज करो, लेकिन उसके अंदर बहुत खतरनाक केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी की जो शाइनिंग है वो खत्म करके उसके अंदर ड्राइनेस लाता है। और कई लोगों में तो ऐसे रैसेस से होते हैं, इचिंग सी होती है। साबुन यूज कर रहे हैं, उस केमिकल की वजह से ड्राइनेस आता है। नेक्स्ट ये कि यदि आप में थायराइड है तो त्वचा में रूखापन आएगा, बालों में भी आएगा, मोटापा घटेगा या बढ़ेगा। कई तरह की थायराइड होती है, जिसमें मोटापा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, उसके अंदर ड्राइनेस आएगा। एक हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो तेल को मेंटेन रखते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, या फिर उनका कार्य स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से तेल धीरे धीरे शरीर पे कम हो जाता है। इसलिए कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, तो डेफिनेटली ड्राइनेस आएगा। हमारे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें हम ऑयल से संबंधित खाना नहीं ले रहे। ऑयल का मतलब ये नहीं कि आप ऑयली खाना खाओ, यानी कि जैसे हमने अपने खाने में दूध शामिल नहीं किया, घी शामिल नहीं किया है, ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी कि बैलेंस डाइट प्रॉपर होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑयल को मेंटेन करके रखती है, उसको अपन ने खाने में शामिल नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ड्राइनेस रहता है। एक आनुवंशिक प्रॉब्लम भी होती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस होता है, तो इसका वैसे कोई उपाय नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट है। अब हम जानेंगे इनके उपाय क्या है। उपाय सबसे पहले तो आपके अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लें, आपकी जो बॉडी की ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी। बॉडी में ऑयल की कमी है तो अपने खाद्य पदार्थ में कुछ ऐसा खाना शामिल करें, जैसे दूध, दही, मक्खन या ड्राई फ्रूट्स, से जो आपके ऑयल ग्लैंड्स को मेंटेन करके रखता है और आपकी बॉडी पे एकदम से नमी बनी रहेगी। नेक्स्ट, जो केमिकल युक्त तो अपन साबुन यूज करते हैं, आजकल सब साबुन यूज करते हैं, बिना साबुन के कोई नहीं नहाता है, तो इससे पहले आप नहाने से पहले, 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले अपनी पूरी बॉडी पे, या फिर 5 मिनट पहले ही भी हो जाए, अपनी पूरी बॉडी पे मालिश जरूर करें। मालिश का फायदा ये है कि जो आपकी बॉडी में नमी है, आप नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं, उसके केमिकल का उस पर फर्क नहीं पड़ता है और आपकी बॉडी की नमी को मेंटेन करके रखता है। जब भी आप नहाकर बाहर आए तो विदिन 5 मिनट्स या 4 मिनट्स आप अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाएं, या फिर बॉडी पे आप दोबारा तेल लगा सकते हैं समर में, और अगर विंटर है तो थोड़ा सा आप उसको ज्यादा टाइम दें। गीली स्किन पे अपन मॉइस्चराइजर या तेल लगाते हैं तो इन्फेक्शन की संभावना रहती है, इसलिए समर में तो विदिन 5 मिनट्स में लगाना है, विंटर में आप खुद नोटिस करें कि आपकी बॉडी अच्छे से सूख गई है, तो उसके पश्चात उस पे आप मॉइस्चराइजर या फिर नारियल तेल, सिंपल है, नारियल तेल, उसकी आप अच्छे से पूरी बॉडी पे दोबारा मालिश करें, यानी कि आपको पहले भी करनी है और बाद में भी मालिश करना। और समर है तो आपको बॉडी को सूखने नहीं देना, क्योंकि ड्राई बहुत जल्दी होती है, तो जब आप ना कर आते तो मेंटेन रहती है बॉडी में नमी, तो आप उसको सूखने से पहले ही लगा। नेक्स्ट ये है कि आप पानी पीते हैं तो पानी की मात्रा को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आपके शरीर में पानी की कमी है, तो पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए आप जो 2 लीटर या 8 से 10 ग्लास पानी होते हैं वो डेली का पीजिए, और फिर भी ये लगता है कि थोड़ा सा और लेना चाहिए, तो आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बॉडी में आपके में पानी की मात्रा बनी रहे। तो अपने सेशन चल रहे थे उससे पहले मैंने ये सेशन बनाना इम्पोर्टेंट समझा, कि कुछ लोगों में कई तरह से ड्राइनेस रहता है, कुछ लोगों में मौसम की वजह से ड्राइनेस रहता है, फेस पैक होता है वो सिर्फ फेस के लिए होता है, लेकिन किसी की गंभीर समस्या है तो उसके लिए मैंने निवारण बताए हैं, इनको फॉलो करें, इसके अलावा कोई और समस्या है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें। और एक और चीज है, अपने हाथ है वो ज्यादा ड्राई रहते हैं, जब अपन सोते हैं तो कम्प्लीटली अपन सारे कामों से फ्री होते हैं, तो
तो सोने से पहले अच्छे से वॉश करो। वॉश करने के बाद में इस पे आप बादाम तेल, ऑलिव ऑयल, सीका तेल, इनकी आप मालिश करके फिर अच्छे से सोए या ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके हाथों की नमी को मेंटेन करके रखें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले सेशन में ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।